धर्मवीर गांधी जी कुछ अलग प्रश्नों तो पूछो, दो सब रिपीटेशन नहीं करना। मैडम मेरा जो सवाल है वो आप आपके द्वारा माननीय मंत्री से पूछना, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये नॉट इज ए पैन इंडियन प्रॉब्लम, और सबसे बड़ी समस्या जो पंजाब में है कि इन्वेस्टिगेटिव लैब सिर्फ चंडीगढ़ में है, जो कैटेगरी टू में पेशेंट आते हैं उनके टेस्ट के लिए बहुत देर रिजल्ट आने में लग जाती है, इलाज शुरू करने में दिक्कत आती है। पहला पहला क्वेश्चन भी है, और दूसरा मैडम जो मास्क दिए जाते हैं, जो अस्पतालों में डॉक्टर और पैरामेडिक्स मास्क पहनते हैं वो सिंपल सर्जिकल मास्क हैं, H1N1 की प्रिवेंशन के लिए स्पेशल मास्क हैं सर, वो प्रोवाइड कराए जाएं सारे पैरामेडिक्स को, सारे डॉक्टर्स को, एंड इट्स वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर मैडम, उनसे इंस्पेक्शन नहीं लुकती बट जो सर्जिकल मास्क हैं। और तीसरी बात मैडम ये है, जितनी कमर्शियल एड्स आती हैं उसके मुकाबले में लोगों को शिक्षित करने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एड्स बहुत कम आती हैं, उसको कई गुना बढ़ाना चाहिए ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। मैंने कहा जब तो टेस्टिंग लेबोरेटरीज का सवाल है, पेशेंट को टेस्टिंग के लिए इंतजार नहीं करना है। प्रोटोकॉल ए में लिखा है कि इफ ए पर्सन हैज कॉफ एंड कोल्ड एंड यू टेक एन एंटीबायोटिक इट डज नॉट रिएक्ट विद इन टू डेज ही शुड बी इमीडिएटली पुट ऑन मेडिसिन। इसके लिए टेस्ट करने का इंतजार नहीं करना है, टेस्ट कराए उसके रिजल्ट जब भी आए बट मेडिसिन पर तुरंत चला जाए, इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है। दूसरा प्रश्न इन्होंने मास्क पर किया, N95 मास्क हमारी तरफ से सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को सप्लाई किए हैं, जिसने जितनी डिमांड की है, और अभी भी हमारे पास है 9500 मास्क आर विद अस एंड व्हाटएवर इज नीडेड वी विल गिव, दैट इज व्हाट आई श्योर। यस, क्वेश्चन नंबर